अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों मैं हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज की जो ये वीडियो है बहुत ही स्पेशल होने वाली है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनका मोबाइल स्लो चलता है। दोस्तों आपके मोबाइल में काफ़ी कुछ ऐसे फोल्डर होते हैं जिनकी वजह से आपका जो मोबाइल से है वो काफ़ी हद तक स्लो हो जाता है, तो इस प्रॉब्लम से आप किस तरह छुटकारा हासिल कर सकते हैं मैं इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल से बताऊँगा। तो सिंपली दोस्तों क्या करना है, क्या किस तरह आपने अपने मोबाइल को तेज़ करना है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से कर लीजिए और साथ वाले बेल के आइकन पर भी दबा लीजिए ताकि आपको इस तरह की मज़े मज़े की वीडियोस डेली देखने को मिल सके। दोस्तों आपने यहाँ पर करना क्या है, आपने प्ले स्टोर में चले जाना है और यहाँ पर एक छोटी सी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है यार, बहुत ही मज़े की एप्लीकेशन है। यहाँ पर आपने आकर सर्च कर लेना है पावर क्लीनर। तो यहाँ पर सिंपली मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली एप्लीकेशन आप लोगों ने डाउनलोड कर लेनी है, पावर क्लीनर एंटीवायरस एंड फ़ोन क्लियर। दोस्तों छोटी सी एप्लीकेशन है, आप इसे डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद सिंपली हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखते हैं इसका कमाल मैं आपको दिखाता हूँ, इसको आपने ओपन नो कर देना है। और ओपन नो करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके आपके पास तीन ऑप्शन आ चुके हैं, जंक क्लीन, मेमोरी बूस्ट, बैटरी सेवर, एंटीवायरस। तो यहाँ पर जंक क्लीन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मेरा मोबाइल मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही रिस्टार्ट किया है, सॉरी रिस्टोर किया है, तो इसकी वजह से इसका इतना मतलब कि MB नहीं बने, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर भी काफ़ी ज़्यादा ये फोल्डर जो है मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। तो यहाँ से मैं क्लियर कर सकता हूँ 253 MB, यानी 253 MB मैं इसको अभी क्लियर कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसे करता हूँ क्लियर, तो यहाँ पर अभी जो 253 जो है MB हैं वो मेरे मोबाइल की रिलीज़ हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से आप बैक करें और बैक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप अब दूसरे ऑप्शन को भी ट्राई आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं ऐसे करता हूँ बैक, और बैक करने के बाद यहाँ से मेमोरी बूस्ट पे आप क्लिक करें तो ये भी आपकी मेमोरी काफ़ी हद तक स्कैन कर देगा, और यहाँ से इसे बूस्ट करें तो सिंपली दोस्तों आप देखते हैं ये किस तरह हमारे मोबाइल की मेमोरी को इनक्रीज़ करता है। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं एक ऐड आया, तो मैंने ऐड को स्किप कर दिया। उसके बाद यहाँ से मैं बैक करता हूँ, और बैक करने के बाद दोस्तों यहाँ से मैं नंबर 3 बैटरी सेवर पे क्लिक करता हूँ, तो ये जो हमारे मोबाइल की बैटरी है उसको भी काफ़ी हद तक जो है ये दोस्तों देख सकते हैं ये जो एप्लीकेशन है मेरे मोबाइल की मेमोरी को बैटरी को ड्रेन कर रही है, यानी कि उसको ख़त्म कर रही है। तो फिलहाल मैं इसको दोनों को इसको हटा के दोस्तों बाकी सबको मैं कर देता हूँ ताकि ये बाकी ना करें, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डर तो अभी ऑफ है। इसलिए दोस्तों यहाँ से आपने एक्सेसिबिलिटी में जाकर इसको परमिशन देनी है, इसको अलाउ करना है, और अलाउ करने के बाद दोस्तों ये जो आप देख सकते हैं इसने इन दोनों ऐप्स को क्लोज़ कर दिया है। मैंने न्यू स्क्रीन रिकॉर्डर को इसलिए नहीं किया था क्योंकि मेरे जो मोबाइल की स्क्रीन थी वो रिकॉर्ड हो रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा चलो इसको रहने देता हूँ। तो यहाँ से दोस्तों आप इसे बैक करें, बैक करने के बाद तो ये YouTube को भी कर रहा है, तो यहाँ पर YouTube को भी इसने कर दिया, थोड़ा सा टाइम लेता है। तो ये आपके मोबाइल की इस परफॉर्मेंस को यार काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आपके सामने मैंने इतनी ज़्यादा मेमोरी अपनी क्लियर की, अभी तक तो मैंने यूज़ ही नहीं किया। जैसे जैसे आप यूज़ करते जाएंगे तो आपके मोबाइल में काफ़ी ज़्यादा इस तरह की ऐप्स और की जो होती हैं मेमोरी वो यहाँ पर कैश मेमोरी जैसे भी आप कह सकते हैं वो बन जाती है, और वहाँ यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ से आप फिर इसको थोड़ा सा बैक करें बैटरी सेवर से, तो यहाँ से मैं से बैक करता हूँ एंटीवायरस, एंटीवायरस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आपके मोबाइल की वो स्कैन कर देगा और आपको बता देगा कि आपके मोबाइल में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से आपका मोबाइल हैक हो सकता है या कोई भी इस तरह का आपके मोबाइल में मटेरियल तो नहीं पड़ा हुआ। तो ये स्कैन करने के बाद दोस्तों आपकी वाईफाई को भी डिटेक्ट करेगा और हर चीज़ आपको बता देगा कि ये सही है या नहीं। तो यहाँ से मैं इसे फिलहाल रह नहीं देता हूँ, बैक कर देता हूँ ताकि 100 हुआ तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इस एप्लीकेशन को आप यूज़ करके अपने मोबाइल की मेमोरी को काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर सकते हैं और मोबाइल की परफॉर्मेंस को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और जो भाई चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे दिए हुए बेल के निशान पर भी दबा लें ताकि आपको इस तरह की मज़े मज़े की वीडियोस डेली देखने को मिल सकें। तो दोस्तों इंशाल्लाह मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।